नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत मोहन, उड़ान कैंपस बरवाड़ा। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, मैथ का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय व काम। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को अकेले ए व बी के समय से 81 दिन ज़्यादा, बी अकेले ए व बी के समय से 9 दिन ज़्यादा में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए अकेला अगर करे तो ए व बी ने जो मिलकर के समय लिया था उससे 81 दिन ज़्यादा लगा देगा, जबकि बी अकेला ए और बी ने जो मिलकर के समय लिया था उससे 9 दिन ज़्यादा लगा देगा। क्वेश्चन में पूछा गया है ए व बी का समय क्या होगा। अगर आपको कभी भी ये बोलता मिल जाए कि ए व बी के समय से, ए प्लस बी के समय से ए ने एक्स दिन ज़्यादा लिए हैं, बी ने वाई दिन ज़्यादा लिए हैं, आपने कुछ नहीं करना। अगर आपसे पूछा जाता है ए व बी का इकट्ठे मिलकर के समय क्या होगा, जितने दिन ज़्यादा लिए हैं ए ने गुणा जितने दिन ज़्यादा लिए हैं बी ने वाई, उन दोनों की गुणा और उस गुणनफल का वर्गमूल, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एक्स की जगह पर कौन बैठा है, कितने दिन ज़्यादा है ए के, 81 गुणा में, बी ने कितने दिन ज़्यादा लिए हुए हैं, 9 दिन, वाई की जगह पर कौन आ जाएगा, 9, इस गुणनफल का वर्गमूल करना है। अब अच्छी बात यह है कि इन दोनों संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है। 81 का वर्गमूल कितना निकल करके आ जाएगा, 9 गुणा में, 9 का वर्गमूल कितना निकल करके आ जाएगा, 3, 9 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 27 दिन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा, 27 दिन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ए व बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बन गया 27। अगर आपसे पूछा जाता ए कितने दिनों में करेगा तो हम क्या करते, 81 दिन ज़्यादा लेता हुआ ए और बी के समय से, यानी कि 27 के अंदर 81 जोड़ देते। अगर आपसे पूछा जाता है बी कितना समय लेगा तो हम कितने जोड़ देते, कितने दिन ज़्यादा लिए हुए हैं, 9 दिन ज़्यादा, तो 27 के अंदर हम 9 जोड़ करके आंसर प्राप्त करते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन बी 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उसके दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर यहाँ पर होता कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में करते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। अगर आपको बोला जाए ए किसी काम को करता है कभी भी एक्स दिनों में, और बी के बारे में बोला जाए कि ये करता है उस काम को वाई दिनों में, और अब आपसे पूछा जाता है कि दोनों मिलकर के, ए और बी मिलकर के कितने दिनों में कर पाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स गुणा वाई बटे में एक्स प्लस में वाई। पर अब जितने गुना काम दिया जाए, जैसे 2 गुना काम दे दिया तो यहाँ गुणा में 2 कर दो, 3 गुना दे दिया तो यहाँ 3 गुणा कर दो, अगर यहाँ आधा बोल दिया तो यहाँ गुणा में आधा कर देंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोला गया है, 2 गुना, तो यही ट्रिक अपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स वाई के साथ में गुणा में कौन आ जाएगा 2, और बटे में कौन आ जाएगा एक्स प्लस में वाई आ जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन के लिए 2 गुणा में एक्स की जगह पर कितना समय है, एक्स ए का 10 दिन गुणा में, बी का कितना समय है वाई की जगह पर 15 दिन, बटे में क्या आएगा 10 और 15 का जोड़, 10 और 15 का जोड़ कितना बन गया 25, ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से गया 3 पर, और ये 5 से कितने पर गया 5 पर, ये 5 से 10 कितने पर कैंसिल हो गया 2 पे, 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4, 4 गुणा में 3 कितना हो गया 12, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12 दिन लगाएंगे वो इस काम के 2 गुणे काम को करने के लिए। याद रहे यहाँ पर जो ट्रिक लिखी गई है क्वेश्चन का अलग हिस्सा है, यहाँ पर जो ट्रिक लिखी जा रही है ये क्वेश्चन का अलग पैटर्न है, यानी कि आपने पहले क्वेश्चन देखना है किस प्रकार का है, फिर ट्रिक को इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने को बोला गया ए बी व सी किसी काम को क्रम से 10, 12 व 15 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर आपको बोल दें कि ए करता है एक्स दिनों में, बी करता है वाई दिनों में, और सी करता है उस काम को जेड दिनों में, और अब आपसे पूछा जाए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम कैसे क्लिक करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों की गुणा कर देंगे, बटे में क्या लेकर के आएंगे एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में एक्स जेड। मेरे कहने का मतलब ये एक्स और वाई की गुणा है, वाई जेड की और एक्स जेड की गुणा है, और इन गुणनफलों का जोड़ है। केवल इतना सा फार्मूला आपने प्लेस करना है। तो क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू कौन है, जो ए का समय है, ए का समय कितना से हो रहा है 10 के बराबर, तो एक्स की जगह पर 10 गुणा में y की जगह पे 12 गुणा में z की जगह पे कितना आ गया 15, बटे में क्या करना है x और y की गुणा, 10 और 12 की गुणा कितनी होगी 120 प्लस में y और z की गुणा, 12 व 15 की गुणा कितनी होगी 180 प्लस में x और z की गुणा, 10 व 15 की गुणा कितनी हो जाएगी 150 के बराबर। क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए 10 गुणा में 12 गुणा में कितना है ऊपर साथ में 15 है, बटे में कितना बनेगा 180 व 120 का जोड़ कितना हो गया 300, 300 150 कितना हो गया 450, तो बटे में कितना आ गया 450। ठीक बात है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 15 से 45 कितने पर कैंसिल आउट हो गया 3 पर, और 3 से 12 कितने पर कैंसिल आउट हो गया 4 पर, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4 दिन। लास्ट क्वेश्चन है, एक काम ए बी व सी द्वारा पूरा किया गया जिसमें ए व बी ने मिलकर 70%, बी व सी ने मिलकर काम का 80% भाग किया,
तो हमने बताना है सबसे ज़्यादा सक्षम कौन व्यक्ति है, यानी कि ए सबसे ज़्यादा सक्षम है या बी या सी या उपरोक्त में से कोई नहीं या आंकड़े अधूरे, इस प्रकार के आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेटेड होने की जरूरत है। एक्चुअली में क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है ही नहीं, ये क्वेश्चन है केवल आपके रीजनिंग परपेज। ए बी सी के द्वारा कोई काम पूरा किया गया, मैं अगर मान करके चल लूँ कि उस काम में टोटल 100 भाग थे, मैंने मान लिया पूरे 100 काम थे, तो ये किसने किए, ए बी व सी ने मिलकर के किए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 100। अब अगली लाइन देखें आप, उसने क्या कहा, ए व बी ने मिलकर 70% किया है, 100 का 70% कौन होगा, खुद 70, यानी कि ए व बी ने कितना काम किया, काम का 70%, और काम कितना माने बैठे हम 100, का मतलब गुणा 70%, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 70। इसका मतलब ये हो गया ए और बी ने मिलकर के 70 काम किया हुआ है। अब ए बी सी 100, ए बी 70, अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो कौन बच जाएगा, सी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 में से 70 गया 30, यानी कि सी नाम के बंदे ने 30 काम किए हैं। अगली लाइन, बी व सी ने मिलकर कितना काम किया हुआ है, 80% किया हुआ है, किसका 80%, 100 का, 100 का 80% कौन होगा, खुद 80, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब इस स्टेटमेंट के जरिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी सी में से अगर बी सी को घटाया जाए तो बी सी घट जाएगा, कौन बच जाएगा, ए, 100 में से 80 जाएगा, कितना बच जाएगा 20, यानी कि ए ने कितने काम किए हुए हैं 20 काम। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर सी ने 30 काम कर दिए, ए ने 20 काम कर दिए, कितने काम कर दिए इन्होंने 50, कुल काम 100, अगर सी व ए के काम 50 हटा दें तो किसके काम बच जाएंगे, बी के, और कितने काम बच जाएंगे, 100 में से 50 हटाने पर 50 बच गया, यानी कि बी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 50 की। तो आपने बताना था सबसे ज़्यादा सक्षम कौन है, तो सबसे ज़्यादा सक्षम कौन बन गया, जिसने सबसे ज़्यादा काम कर रखे हैं, और सबसे ज़्यादा काम किसने कर रखे हैं, बी ने, यानी कि बी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी जो हमने सीखा है वो टाइम एंड वर्क का एक हल्का सा पार्ट था, ट्रिकी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। अभी हमने क्या किया है कि थोड़े से आपके लिए एक होमवर्क तैयार किया है टाइम एंड वर्क के, आपको दो क्वेश्चन हैं, वो दोनों के आपके क्वेश्चन के जो आंसर बनते हैं उन क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका आंसर कितना आता है। अगर सभी बच्चों के निकल ही आते हैं तो फिर अगले पार्ट जब बनाएंगे तो उसमें इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाते इन दैट केस अगला जब भी पार्ट बनेगा टाइम एंड वर्क से रिगार्डिंग तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राहुल 10 मिनट में 40 पेज टाइप करता है, वहीं मनीष राहुल की सहायता से 250 पेज 25 मिनट में टाइप करता है, मनीष अकेले 36 पेज टाइप करने में कितनी मिनट लेगा, कितना समय लेगा, ये इसके चार ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, आर किसी काम को पी से दोगुना समय में करता है, पी व क्यू मिलकर इसे 6 दिन में करते हैं, जबकि क्यू व आर मिलकर इसे 10 दिन में करते हैं, पी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, ये इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं। तो आप लोगों ने ये खुद से ट्राई करने हैं, जैसे ही सोल्व होते हैं आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर हमें प्रोवाइड करवाइएगा, अगर नहीं हो पाते हैं तो आपको इनका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम ऐसी या इससे भी और बेहतरीन वीडियो और आपके समकक्ष लेकर के आते रहें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।